लालकुआ में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने श्रमिकों के साथ मिलकर सेंचुरी मिल के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। आपको बता दें, मिल के श्रमिक पिछले 28 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिसे नेता प्रतिपक्ष ने समर्थन देते हुए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने का आह्वान किया है। इस दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि श्रमिकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सेंचुरी प्रबंधन श्रमिकों की खामोशी को कमजोरी न समझे। अगर आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी मिल प्रबंधन और प्रशासन की होगी। लालकुआ से संवाददाता मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। ये अपने अधिकारों के लिए हमारे स्थानीय मजदूर और अन्य मांगे हैं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण को लेकर किस तरह से उसका रोकथाम किया जाए, उसको लेकर 28 दिन से हमारे कर्मचारी और हमारे संगठन के लोग, शंकर जोशी जी हमारे प्रधान हैं, युवा नेता हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन मैनेजमेंट जो है लालकुआ सेंचुरी का, वो बात करने को तैयार नहीं है।